नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं पीकेएल सीजन 10 का मैच नंबर 120 जो खेला जाएगा दबंग दिल्ली केसी वर्सेस तमिल तलेवाज के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। और मेरे भाई लोग पीआर फैमिली ने कबड्डी में आग सी लगाई हुई है। कल वाले मैच में क्या हुआ था, मेगा जीएल में हमारे 2-3-4 ऐसे करके रैंक थे और अंकित जागलान क्या खेला था, 5% के आसपास सिलेक्शन था। परसों हर्ष लड हम लोगों को वन साइडेड क्लीन स्वीप करवाए थे। इस मैच में कौन हमारे त्रुप के क्या होंगे उसको लेके हम आगे बात करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पे पीआर फैमिली ने ना सिर्फ स्मॉलिंग मिनी जीएल में भी अच्छा खासा रैंक दिया हुआ है पीकेएल सीजन 10 में। देखिएगा तेलुगु वर्सेस बंगाल वाले मैच में हम लोगों ने मेगा जीएल में रैंक 1 दिया हुआ था। उन 40 रुपीज वाले कंटेस्ट में जहां पे प्राइज पूल थे 40 लाख का रैंक 1 पीआर फैमिली से था। फिर यहाँ पे हरियाणा वर्सेस तमिल तलेबाज वाले मैच में रैंक 1 पीआर फैमिली का था जहां पे प्राइज पूल थे 2.80 करोड़। उसके बाद 6 करोड़ वाले प्राइज पूल में रैंक 1 पीआर फैमिली का था जहां पे 49 रुपीज लगा के हम लोगों ने 14,70,000 रुपीज विन किया था। उसके बाद बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल तलेबाज पीआर फैमिली का यहाँ भी मेगा जीएल में रैंक 1 था। और दोस्तों स्टार्टिंग 7 आने के बाद अगर हमारे टीम में कुछ भी फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हो जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आइए मैच को लेकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे भाई ऐसे हो जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, नहीं ना किया तो भाई कर लो ना, आपके 1 लाइक से जब आपके भाई को मोटिवेशन से मिलती है तो आप 1 लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाइए। अब आइए मैच को लेकर बात करते हैं। हेड टू हेड में दोनों टीम 9 दफा आमने सामने आई है, जहां पर दबंग दिल्ली केसी 5 बार और तमिल तलेबाज 2 बार विन की है। लास्ट हेड टू हेड को लेकर बात कर लेंगे, दबंग दिल्ली केसी जो है वहां पे 31 पॉइंट निकाले थे, तमिल तलेबाज 42 पॉइंट निकाले थे। ये मैच पीआर फैमिली का शानदार गया था। अगर ध्यान रखिएगा लेफ्ट कॉर्नर पे साहिल और राइट कॉर्नर पे अगर सागर राठी खेलता है तमिल तलेबाज के साइड से तो मेरा टीम बिल्कुल बदल जाएगा, मैं तमिल तलेबाज फेवरेट टीम बनाऊंगा उस कंडीशन में। इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है। बेस्ट पिक बेस्ड ऑन हेड टू हेड योगेश आसू मल्लिक नरेंद्र होशियार और साहिल गुलिया। अगर हम बात करेंगे तमिल तलेबाज के इस सीजन प्रदर्शन को लेके तो टोटल मुकाबला खेली है 20-8 जीती हैं 12 हारी हैं। लास्ट मैच में पुनेरी पल्टन से वन साइडेड हार के आ रही है जहां पे सिर्फ इनके 15 रेड पॉइंट थे, 0 सुपर रेड, 10 टैकल पॉइंट, उसके अलावा 0 ऑल आउट पॉइंट, 4 एक्स्ट्रा पॉइंट। अगर हम बात करेंगे इस मैच में प्रदर्शन को लेके, मोहम्मद रिजा 2 रेड टच, 2 टैकल, 2 बोनस, हिमांशु नरवाल 5 रेड टच, जतिन फोगट 4 रेड टच, आमिर हुसैन वस्तानी 2 टैकल, 1 सुपर टैकल, हिमांशु 2 रेड टच, 1 टैकल, आशीष 2 टैकल, अजिंक पवार 1 रेड टच, एम अभिषेक 1 टैकल किए हुए थे। बाकी नरेंद्र होशियार को कुछ ही टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात सागर राठी खेलेंगे कि नहीं, उनका जो फीवर उनको हुआ था वो कितना सही है। अगर सागर राठी खेलते हैं तो भाई ये आपके लिए गेम चेंजर मैच हो सकता है। और ये हम बात करते हैं तमिल तलेबाज के स्टार्टिंग 7 क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए ऊपर से नरेंद्र होशियार, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंडर है रौनक, यहाँ मुझे लगता नहीं इनको खिलाया जाएगा, इनके जगह पे एम अभिषेक सीधा आ जाएंगे स्टार्टिंग 7 में। आशीष के जगह पे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे मोहित, जो कि पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट लिस्ट में भी नहीं थे, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखेंगे आशीष, अजिंक पवार आपको दिखेंगे लेफ्ट हैंडर, मोहम्मद रिजा ध्यान रखिएगा इनका जो पोजीशन होता है वो पोजीशन साहिल गुलिया वाला होता है, मींस कौन सा लेफ्ट कॉर्नर वाली, तो साहिल गुलिया जैसे स्टार्टिंग 7 में आ जाएंगे इस मैच में इनको कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप। फिर आमिर हुसैन वस्तामी यहाँ पे 3 टैकल निकाले हुए थे और ये खेलते हैं राइट कॉर्नर पे, साहिल गुलिया लेफ्ट कॉर्नर पे। हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट में, जतिन, एम अभिषेक, हिमांशु, सागर, उसके अलावा सतीश कनन, वी चहल और हिमांशु, ध्यान रखिएगा वी चहल और सतीश कनन जो है वो राइट हैंडर हैं, हिमांशु लेफ्ट हैंडर हैं। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं पीकेएल सीजन 10 में तमिल तलेबाज के प्लेयर का कैसा प्रदर्शन है, तो आमिर हुसैन वस्तानी 13 मुकाबला खेले हैं, 14 पॉइंट निकाले हैं जहां पे 46% टैकल इनका सक्सेसफुल है। नरेंद्र होशियार 19 मुकाबला खेले हैं, 160 पॉइंट निकाल रहे हैं, 61% रेट और 47% टैकल इनका सक्सेसफुल है। रौनक 4 मैच खेले हैं, 3 पॉइंट निकाले हैं,
43% टैकल इनका सक्सेसफुल है, अजिंक पवार 20 मैच खेले हैं 130 पॉइंट निकाले हैं, 42% डेड और 64% टैकल इनका सक्सेसफुल है, आशीष 5 मैच में 3 पॉइंट निकाले हैं, 27% टैकल इनका सक्सेसफुल है, मोहम्मद रिजा 5 मैच में 16 पॉइंट निकाले हैं, 67% रेट और कुछ इसी परसेंट इनका टैकल भी सक्सेसफुल है। फिर साहिल गुलिया 20 मैच में 64 पॉइंट निकाले हैं, 59% टैकल इनका सक्सेसफुल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दबंग दिल्ली केसी का पीकेएल सीजन 10 में क्या प्रदर्शन है। तो देखिएगा यहाँ पे 20 मैच के लिए 11 जीती हैं, 6 हारी हैं, 3 मुकाबला तय खेली हैं, लास्ट मुकाबला जयपुर के साथ हार के आ रही हैं, जहां पे इनके 15 रेड पॉइंट थे, 0 सुपर रेड, 60 टैकल पॉइंट, 0 ऑल आउट पॉइंट, 0 एक्स्ट्रा पॉइंट। इस मैच में अगर इनके प्लेयर का प्रदर्शन को लेकर बात कर लेंगे, आशु मल्लिक 7 रेड टच 2 बोनस, मीतू 2 रेड टच 2 बोनस, आशीष मल्लिक 4 टैकल, योगेश दहिया 3 टैकल, मानू 2 बोनस, मोहित कुछ नहीं की थी, इनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया था। हम बात करते हैं दबंग दिल्ली केसी के स्टार्टिंग 7 क्या हो सकते हैं। आपको दिख जाएंगे आशु मल्लिक राइट रेडर, फिर मोहित राइट कवर पे, विक्रांत लेफ्ट कवर, इस मैच में आपके लिए बेहतरीन पिक होंगे विक्रांत, क्यों मैट पे जानेंगे, मानू लेफ्ट रेडर, मीतू शर्मा राइट रेडर, योगेश आपको दिखेंगे राइट कॉर्नर, आशीष दिखेंगे आपको लेफ्ट कॉर्नर। अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आपको दिख जाएंगे आशीष, यादव वाला साहब, विशाल भरद्वाज, इनका जो पोजीशन है ना वो जब भी होगा वो आशीष के साथ रिप्लेस होगा, उसके अलावा आकाश, फेलिक्स ली, सुनील और नीतीश चांदेल। आइए हम बात करते हैं दबंग दिल्ली केसी के प्लेयर का प्रदर्शन पीकेएल सीजन 10 में किसका क्या है। तो योगेश 20 मुकाबला खेले हैं, 62 पॉइंट निकाले हैं, 59% टैकल इनका सक्सेसफुल है। मानू 9 मुकाबला खेले हैं, 6 पॉइंट निकाले हैं, 26% रेट इनका सक्सेसफुल है। मोहित 18 मुकाबला खेले हैं, 17 पॉइंट निकाले हैं, 24% टैकल इनका सक्सेसफुल है। आशु मल्लिक 20 मुकाबला खेले हैं, 226 पॉइंट निकाले हैं, 55% रेट और 67% टैकल इनका सक्सेसफुल है। लेकिन इस सीजन नवीन एक्सप्रेस के जाने के बाद आशु मल्लिक डिफेंस में बिल्कुल ही एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। फिर विक्रांत 15 मुकाबला खेले हैं, 19 पॉइंट निकाले हैं, 36% टैकल इनका सक्सेसफुल है। मीतू शर्मा 19 मुकाबला में 50 पॉइंट निकाले हैं, 30% रेट इनका सक्सेसफुल है, लेकिन मैं इनको इससे कहीं ऊपर रेट करता हूं। आशीष 17 मुकाबला में 47 पॉइंट निकाले हैं, 54% टैकल इनका सक्सेसफुल है। अब अगर हम जीएल मिनी जीएल में कैप्टन वीसी रोटेट करेंगे तो किसको करेंगे, आशु मल्लिक, योगेश, साहिल गुलिया और नरेंद्र होशियार। इसके अलावा अगर सागर राठी खेलते हैं तो भाई कैप्टन वीसी के वो होंगे एक से बेस्ट मटेरियल। भाई हम बात करेंगे कि मैट पे कौन सा रेडर, कौन सा डिफेंडर आपके लिए क्वालिटी वाले पिक होंगे और किस डिफेंडर के पास अपॉर्चुनिटी होगा जाएगा ज्यादा टैकल करने का। तो यहां पे हम पहले बात कर लेते हैं तमिल तलेवाज के रेडर किस डिफेंस के पास जाने वाली है दबंग दिल्ली केसी का। तो यहां आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हुए आशीष मल्लिक। ध्यान रखिएगा यहां पे आशीष जब भी मैट से बाहर जाएंगे आ जाएंगे विशाल भरद्वाज। राइट कवर को लेके बात कर लेंगे, कवर कहीं ना कहीं दबंग दिल्ली केसी की एक कमजोर कड़ी है, यहां पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए मोहित। फिर अगर हम बात कर लेंगे इनके राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे इस सीजन उभरता हुआ एक और प्लेयर जिसका नाम है योगेश दहिया। फिर अगर हम बात कर लेंगे यहां पे लेफ्ट कवर पे विक्रांत। अब सामने वाली टीम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे इनके मेन रेडर होंगे अजिंक पवार, लेफ्ट रेडर उसके अलावा नरेंद्र होशियार। तीसरे मेन रेडर ये लोग लेके जाएंगे स्टार्टिंग सेवन में हिमांशु सिंह को, जो कि लेफ्ट इन पे डिफेंस में भी एक्टिव होंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि आज ये फिर से अपना बेस्ट स्टार्टिंग सेवन लेके जाएंगे। अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर इनके लिए बेड़ा गर्क होगा ही, और अगर ये बेस्ट स्टार्टिंग सेवन लेके जाते हैं तो आप ये मान के चलो दबंग दिल्ली केसी को ये फैंटी भी लगा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों के तीनों मेन रेडर होंगे लेफ्ट के साइड से, हो जाएंगे राइट कॉर्नर योगेश के पास, लेफ्ट कवर विक्रांत के पास, यहां दोनों से बचेंगे तो जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर आशीष के पास। इनके पास एज एन सब्स्टिट्यूट इनके पास होंगे विचल, जतिन और यहां पे कनन को मुझे लगता नहीं है मौका मिलेगा, अगर मिलता है तो वो भी एक राइट रीडर है, क्लियर है। वो जाएंगे राइट के साइड से किसके पास, आशीष के पास, मोहित के पास और यहां पे राइट कॉर्नर योगेश के पास। लेकिन इन साइड से मीन्स राइट के साइड से राइट रीडर एज एन सब्स्टिट्यूट ही आएंगे जिसका यूटिलाइज ये लोग ना के बराबर करेंगे, ठीक है। इनके बाद इनके एज एन सब्स्टिट्यूट लिस्ट में आपको दिख जाएंगे एक हिमांशु नरवाल, बेहतरीन लेफ्ट रीडर है हिमांशु नरवाल, हिमांशु सिंह नहीं, यहाँ पे हिमांशु नरवाल को लेके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जाएंगे लेफ्ट के साइड से योगेश के पास, विक्रांत के पास और फिर जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर आशीष के पास। हमने बात कर ली कि तमिल तलेवाज के रेडर किस डिफेंस के पास जाने वाली है दबंग दिल्ली केसी का। अब दबंग दिल्ली केसी का जो रेडर है ना वो आपको जीएल जितवा देंगे, क्यों राजा भाई, इसके पीछे क्या रीजन है तो ध्यान से देखना।
इनके जो मेन ट्रेडर होंगे वो होंगे आसू मल्लिक, मीतू शर्मा, ये लगभग 90% या 85% मान के चलो रेडी करेंगे। इसके अलावा मनजीत अगर स्टार्टिंग सेवन में फिट होकर आ जाते हैं तो वो भी एक राइट ट्रेडर होंगे, मानू का ये लोग यूटिलाइज ना के बराबर करेंगे। लेकिन अगर मानू खेलते हैं तो ठीक ठाक रेडर हैं ये लेफ्ट ट्रेडर होंगे। हम पहले बात कर लेते हैं तमिल दिलेबाज के डिफेंडर का पोजीशन, लेफ्ट कॉर्नर पे फिर से आपको दिख जाएंगे साहिल, फिर अगर हम बात कर लेंगे राइट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे एम अभिषेक, फिर अगर हम बात करेंगे इनके राइट कॉर्नर पे तो आमिर हुसैन वस्तामी और सागर राठी में से कोई एक, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सागर राठी आज के मैच खेलेंगे। फिर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए यहाँ आपको दिख जाएंगे खेलते हुए, पिछले मैच में तो आई थिंक आशीष खेले थे लेकिन यहाँ मुझे लगता है मोहित को खेलना चाहिए। ठीक है, अब सामने वाली टीम में मनजीत, मीतू, आसू मल्लिक, अगर नवीन एक्सप्रेस होते तो वो भी एक राइट रेडर ही होते। ठीक है, तो वो जाएंगे साहिल के पास, एम अभिषेक के पास और यहाँ पे सागर राठी के पास। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए हिमांशु सिंह, ऑलराउंडर वाला पोजीशन लिफ्ट इन पे, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगा टैकल करने का इस कंडीशन में। उसके बाद इनके पास एक लेफ्ट रेडर है जिसका नाम है मनु, वो जाएंगे लेफ्ट के साइड से सागर के पास, मोहित के पास और यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर साहिल गुलिया के पास। तो दोस्तों अब आपके पास स्टैट्स है, मैच एनालिसिस है, खुद से भी बेहतरीन फैंटेसी का टीम बना सकते हो, बट फिर भी आइए मैं आपको दिखाता हूँ अपना फैंटेसी का टीम। ध्यान रखिएगा इस मैच में अगर सागर राठी स्टार्टिंग सेवन में होते हैं वो टीम और अभी वाली टीम में आपको बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिल जाएंगी, ए टू जेड चीजें आपको जो है बदलती नजर आ जाएंगी। और फाइनल टीम जो मैं आपको शेयर करूंगा ना टेलीग्राम पे, उसका लिंक आपको किसका टेलीग्राम का इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में मिल जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना है। देखिए फैंटेसी का टीम फिलहाल मैंने दबंग दिल्ली केसी को फेवरेट माना है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सागर राठी खेलते हैं मैं सीधा यूटर्न ले लूंगा किसके साइड में, यहाँ पे तमिल तेलवाज के साइड में। फिलहाल देखिए हमारी टीम, मैंने योगेश को लिया है, साहिल को लिया, आशीष, विक्रांत और अंदर से बात कर लेंगे एम अभिषेक, आसू मल्लिक और मीतू शर्मा। कैप्टनसी फिलहाल मैंने दी है योगेश को, क्यों, क्योंकि तमिल तेलवाज के तकरीबन 85-90% रेडिंग जो है वो लेफ्ट के साइड से होगा भी। और उसके अलावा मैंने कैप्टन के बाद वीसी दिया आसू मल्लिक को, ये लगभग जो है ना 80% तो नहीं, 80% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 60% लगभग कन्फर्म है कि ये आपको रेडिंग करते दिखेंगे, मैक्सिमम 60% तक रेडिंग आपको करते दिखेंगे कौन, आसू मल्लिक। ठीक है, और सामने एम अभिषेक भैया को मैंने इसलिए जगह दिया हुआ है, रीजन है कि इनके पास राइट डेडर भरे पड़े होंगे। इसके अलावा आप लोग कैप्टन वीसी साहिल गुलिया को भी देखे जा सकते हो। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, इंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।